भोपाल में जीआरपी पुलिस द्वारा ट्रेन एवं आउटर पर लूट की वारदात देने वाले आरोपियों को 24 घंटे के अंदर ही धर दबोचा। आपको बता दें कि बुधवार सवेरे 4 बजे एक व्यक्ति आउटर से स्टेशन की तरफ जा रहा था, जिसको कर बदमाशों द्वारा रास्ते में रोककर पैसे छीनने की कोशिश की गई। व्यक्ति द्वारा विरोध करने पर आरोपियों द्वारा चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इसके बाद चारों आरोपियों मोबाइल एवं नकदी छीन वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जहीर खान द्वारा एक टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की गई। शक्ति से पूछताछ करने पर एक व्यक्ति अमन बच्चे का नाम निकल कर सामने आया। इसके बाद पुलिस द्वारा अमन बच्चों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि वे एक एवं उसके साथियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। पूर्व में भी आरोपियों पर कई थानों में मामले दर्ज हैं। सर, जीआरपी पुलिस द्वारा लूट के आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, क्या मामला है सर? जीआरपी में 9 तारीख को रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, एक लड़का है आयुष जोशी। आयुष जोशी बठिंडा में अपनी माँ के साथ रहता है और ये चने बेचने के लिए इटारसी जाता है रोज़। तो रोज़ की तरह ये सुबह 4:30-5 बजे करीब ये भारत का कोई जो ब्रिज है उसके नीचे से निकल रहा था, ओवर ब्रिज के नीचे से। तो ये चार लड़के रास्ते में इसको मिल गए। चार आरोपी जो अपने चेहरे पर नकाब बांधे हुए थे, रुमाल बांधकर, और इन्होंने उसे घेरा और घेरने के बाद उसको छुरी मारी। सर में छुरी लगी, पैर में छुरी लगी और उसके बाद जो है उसका मोबाइल और 4,000 रुपये से लूट लिया। क्योंकि उस समय कोहरा था, हालांकि पुलिस की विजिबिलिटी उस पुलिस वहाँ विजिबल रहती है, लेकिन उस दिन कोहरे की वजह से ना तो आरोपी ठीक से उनको पहचान पा रहा था, कोहरा भी था और रुमाल भी बांधे हुए थे। आरोपी घायल हो गया था। जब थाने आया, थाने पर हमने उसका मामला स्टार्ट करके 300 चुराने का मामला स्टार्ट किया और उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसके बाद लगातार एक टीम को बनाया जो सक्रिय रह के उन्होंने दिन भर काम किया, तो मालूम पड़ा अमन बच्चा के आरोपी ऐशबाग का रहने वाला है और वो उसकी गतिविधियाँ थोड़ी सी 2-3 दिनों से उस तरफ देखी जा रही थी। जब अमन बच्चा की तलाश में पुलिस टीम गई तो अमन बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन उसके संगी साथी में इरफान करके लगा था जो अशोक गार्डन का रहने वाला था। तो इरफान मिल गया, इरफान को पकड़ा, तो इरफान ने अमन के साथ साथ निखिल का नाम बताया, निखिल बचकर जो स्टेशन पर छेड़ करने वाला, और फैजान का नाम बताया जो ऐशबाग का रहने वाला है। तो जब तलाश शुरू गई तो इरफान के साथ हमें निखिल वंशकार भी मिल गया और इसके अलावा फैजान भी मिल गया और अमन फिर लास्ट में मिला। इन चारों को लेकर जब पूछताछ की तो उन्होंने घटना को स्वीकारा और उन्होंने बताया कि उन्होंने ये घटना सुबह आयुष के साथ में घटित की थी। इनके पास से वो घटना में प्रयुक्त हुआ चाकू बरामद हुआ, मोबाइल मिल गया और 4,000 रुपये जो लूटे वो मिल गए। ये चारों ही आरोपी जो हैं साथी थे उस दिन और इनके रिकॉर्ड भी हैं, पुराने रिकॉर्ड भी हैं। निखिल वंशकार इसमें मेन था हरगना, जिसके पिछले 7-8 मामले और भी हैं। इसके अलावा निखिल से एक और लूट बरामद हुई है, एक मोबाइल उन्होंने बैरागढ़ स्टेशन पर लूटा, तो उसमें भी आरोपी बनाया गया। स्टेशन पर 2 चोर हैं अपने भोपाल स्टेशन पर, एक इटारसी चोर है और एक बीना चोर है। जो इटारसी चोर की तरफ ये घटना है, इटारसी चोर जो है हमारा ऐशबाग तरफ जाता है। ज़्यादातर जो ट्रेनें आउटर पर रुकती हैं, जो इसी एरिया में रुकती हैं, इसलिए इस तरह के लोगों की गतिविधियाँ उस तरफ ज़्यादा पाई जाती हैं। और जो ट्रेनें बिना एंड पर रुकती हैं तो छोला में रहने वाले लोगों की गतिविधियाँ पाई जाती हैं। अब दुर्भाग्य ये है कि जो घटनाएं यात्रियों के साथ घटित होती हैं इस तरह की, उसमें ज़्यादातर जो आरोपी नाबालिग रहते हैं। नाबालिग आरोपियों को पकड़ के जितनी बार पुलिस भेजती है वो आसानी से जमानत पर छूट जाते हैं और फिर दोबारा ये अपराध कर जाते हैं। इस बार ये जो चारों अपराधी पकड़े गए हैं, ये इनके रिकॉर्ड भी हैं और दूसरा ये बालिग भी हैं। तो अब ये जाएंगे तो थोड़ी शांति तो रहेगी और इसी घटना को देखते हुए पुलिस की गतिविधि थोड़ी सी आउटर पर हमने और बढ़ाई है ताकि भविष्य में इसी घटना में। सर, ये लोग इससे पहले भी इनके द्वारा आउटर पे किसी घटना को अंजाम दिया गया है, ट्रेनों में भी ये इनके द्वारा चोरी की गई पहले? हाँ, बाकी सबके रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं। इसमें तो मेन सरगना है निखिल वंशकर, उसके 8 अपराधों के रिकॉर्ड अभी तक मिल पाए हैं हमको और एक लूट का और मिला हुआ है। तो पहले भी इसने इस तरह की घटनाएं की हुई, अभी ये वाली घटना हमने 24 घंटे के भीतर डिटेक्ट कर ली।